है गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन आज हम करेंगे क्लास सिक्स की इंग्लिश का चैप्टर वन की रीडिंग चैप्टर वन है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल सो लेट स्टार्ट डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट दर मीनिंग्स क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं अगर नहीं जानते तो इनके मीनिंग्स जो है वो फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट वन इज़ बैंडेज बैंडेज का मतलब होता है पट्टी क्रच मतलब सहारा क्रिपल यानी कि लंगड़ा ऑनर मतलब समानित मिस फॉर्चून मतलब बैड लक इन सिस्टम मतलब एनवामेंट ऑफ द स्कूल लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस एंड व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स इस पिक्चर की तरफ देखिए जो आपको गिवन है और बताइए कि ये बाकी स्कूलों से किस तरीके से अलग स्कूल है आई हैड ही ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डेट द चानस कम टू विजिट इट अब जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना है लेकिन लास्ट वीक मेरे को जो है वहाँ पे जाने का मौका मिल गया चांस का मतलब होता है मौका When I arrived, there was no one inside but a girl of about अबाउट ट्वेल्व जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था बस एक लड़की दिखी जो कि लगभग बारह साल की होगी eyes वर कवर्ड विद बैंडेज उसकी आंखें जो थी वो बैंडेज के साथ में कवर की गई थी एंड शी वॉज़ बींग led केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स बेड बाय अ little बॉय हु वॉज अबाउट फोर ईयर्स यंगर क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी की गई थी बैंडेज बांधी हुई थी तो एक लड़का था चार साल का जो उसको डायरेक्शन दिखाते हुए लेके जा रहा था शी स्टॉप्ड एंड लुक एट लुकड लाइक शी आग हेम हैड कम वो रुक गई और उसने उस लड़के को पूछा कि यहाँ पर कौन है ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर अब उसने बताया कि यहाँ पर कौन है देन दे पास डोन फिर वो वापस चले गए मिस बीम वाज़ ऑल दैट आई एक्सपेक्टेड मिडिल एज फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग अब राइटर बोलते हैं कि मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने उनके बारे में सुना था या फिर सोचा था मिडल एज अधेड़ उम्र की फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब कि सब हर चीज़ पे अपना हक ज, जमाने वाली और येट काइंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ही काइंड और बहुत ही समझदार और दूसरों को समझने वाली हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे उनके जो बाल थे वो ग्रे होना शुरू हो गए थे एंड शी हैड द काइंड ऑफ पल्प फिगर और उनकी जो फिगर यानी उनकी जो बॉडी थी वो थोड़े से मोटे थे पल्प यानी थोड़ा सा मोटा दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम चाइल्ड होम सिंग मतलब वो बच्चे जिन बच्चों को घर की बहुत याद आती है तो वो उनको बहुत पसंद करते थे आई आज हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मैथड अब राइटर बोलते हैं कि मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे विच आई हैड विच आई हैड हीड वेरी सिंपल जो कि मैंने सुने और वो बहुत ही सिंपल थे नो मोर देन दिस इज़ नीडीड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल स्पालिंग्स, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग वो कुछ भी ज़्यादा नहीं जो है सिखाते थे बस सिंपल स्पैलिंग्स एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग और राइटिंग यही चीज़ें सिखाते थे द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू दैम बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स बाकी का उनको रीड करा के और इंटरेस्टिंग बातें करके उनको सिखाया जाता था ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड स्कवाइट जिसमें उनको सिर्फ बैठ के क्या करना पड़ता था सुनना पड़ता था समझना पड़ता था और कुछ भी करना नहीं पड़ता था देयर आर प्रैक्टिकली नो लेसन्स वहाँ पर प्रैक्टिकली मतलब कुछ भी करने वाला और नहीं था द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थाज टू टीच थानेस इस स्कूल का जो एम था वो कुछ ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं था या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकली करना नहीं था बल्कि बच्चों को हर व्यक्ति की तरफ काइंड होना चाहिए हर एक के साथ कैसे बात करनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए अपना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए यही जो है वहाँ पर सिखाया जाता था लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू मिस भीम सेट अब मिस भीम जो है राइटर को बोलती हैं कि एक मिनट विंडो के बाहर देखिए आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट अ बैक अब राइटर वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने विंडो के दसे बाहर देखा तो वहाँ से एक गार्डन और एक प्ले ग्राउंड जो है वो दिख रहा था वॉट डू यू सी मिस भीम आग अब मिस भीम पूछते हैं कि आपको क्या दिखा आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड आई सेट अब वो राइटर जो है मिस भीम को बोलते हैं कि मुझे मुझे मैंने यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्राउंड देखा है एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन्स और बहुत uh, सारे खुश बच्चे देखे हैं इट पेंट्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग बोलते हैं लेकिन मुझे ये देख के बहुत ही दुख हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं है मतलब सारे एक्टिव नहीं हैं वन आई केम इन आई सा वन पोअर लिटल गर्ल बींग लेट अबाउट जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक छोटी सी लड़की को देखा जिसको एक लड़का जो है वो लेके जा रहा था डायरेक्शन दिखाते हुए शी हैज़ ट्रबल विद हर आइज और उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी और अब मैंने दो वैसे ही बच्चे और देखे हैं एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले और यहाँ पे एक लड़की है जो क्रच क्रच मतलब होता है सहारा ठीक है सपोर्ट लेना और किस क्रच वो स्टिक होती है जो जितने भी ये क्रिपल्स होते हैं मतलब जो लेम या लंगड़े होते हैं वो जिस आ, स्टिक के सहारे वो चलते हैं जो उनका सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं क्रच तो राइटर बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लड़की को देखा जो क्रच के सहारे जो है खड़ी है और बाकी बाकी जो है वो खेल रहे हैं और वो बस उनको देख रही है मिस बीन लाव्ट अब मिस बीम जो है वो हंसने लगी ओ नो शी सेड वो बोलती हैं कि नहीं नहीं शी इज़ नॉट रियली लेम वो सच में लंगड़े नहीं है दिस इज़ ओनली हर लेम डे आज उसका लेम डे है द अदर आर नॉट ब्लाइंड आई दर और बाकी के जो हैं वो ब्लाइंड नहीं है अंधे नहीं है इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे वो सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है आज आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लावड अगेन बोलते हैं कि आप मुझे पता है कि आप बहुत हैरान हुए होंगे और वो फिर से जो हैं वो है वो हँसती हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ़ आवर सिस्टम बोलती हैं कि हम जो भी बच्चों को सिखाते हैं वो ये जो डेज़ होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे सिस्टम का टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस कि हमारे जो बच्चे हैं वो मिस किसी का अगर बैड लग है या किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करने के लिए या उसको समझने के लिए ये चीज़ें उनको बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो जब खुद फील करेंगे कि उन्हें कैसा लगता है तभी वो दूसरों को समझ पाएंगे वी मेक दैम शेयर इन इन मिसफॉर्चुन टू तो हम उनको वो डेज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि कौन से दिन में उनका कौन सा डे जो है वो होगा ताकि वो ये सब चीज़ें समझ सकें ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे वन लेम डे वन डीप डे एंड वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे अब वो बोलते हैं कि हर एक बच्चे का जो है एक एक दिन आता है किसी दिन उनका ब्लाइंड डे आता है एक उनका लेम डे होता है एक उनका डीफ यानी जो बहरे होते हैं एक उनका इंजर्ड डे होता है इंजर्ड इंजर मतलब इंजर्ड कुछ एक जैसे एक लेग को उन्होंने बांध बांध दिया तो वो उनका इंजर्ड डे हो गया तो एक डम डे ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप ब्लाइंड डे में क्या किया जाता है उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और ये बस उनका जो है खुद का ऑनर होता है कि वो झांक के ना देखें द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वॉज सो दे सो दे वेक ब्लाइंड बैंडेज जो है रात को ही उनकी आँखों पर बांध दी जाती है ताकि वो सुबह जो है वो ब्लाइंड ही उठे यानी कि उनको दिखे नहीं दिस मीन्स इसका मतलब है दैट दे नीड हेल्प विद एवरी थिंग कि उनको पता चले कि उनको सुबह से ही हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे उस चीज़ को लेते हैं या कैसे दूसरों की हेल्प लेते हैं अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग अबाउ दैम अबाउट और बाकी के जो बच्चे होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि उनकी हेल्प करना और उनको कहीं आगे पीछे लेके जाना जब उनको ज़रूरत पड़ती है दे ऑल लर्न सो मच दिस वे और इसी तरीके से ये बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं बोथ आर ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स दोनों ही जब ब्लाइंड होते हैं और उनकी जब हेल्प की जरूरत पड़ती है हर दिन में वो कुछ नया सीखते हैं देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती मिस बीम कॉन्टीन्यूड एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट चाइल्ड रियलाइज वॉट मिस फॉर्चून इज मिस भीम जो बोलती हैं कि इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है सारे बहुत ही काइंड हैं और ये एक बस गेम का पार्ट है Uh, दिन ख़त्म होने से पहले ही हर एक बच्चा जो बहुत ही थॉटलेस होता है जो चीज़ों को ज़्यादा सोचता नहीं है जो किसी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है दिन ख़त्म होने के बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है कि बैड लक क्या होता है द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द सम्रेन टेल मी दैट द डम डे इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट अब बोलते हैं कि ब्लाइंड डे तो ऑफ uh, कोर्स जो है वो बहुत ही बुरा दिन होता है लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि डम डे जो होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है वी के नॉट बैंडेज अ चिल्ड्रंस माउथ क्योंकि हम बच्चे के माउथ को जो है वो बांध नहीं सकते सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर तो उनको अपने अंदर की विल पावर से ही ये दिन जो है निकालना पड़ता है कि उनको बोलना नहीं होता है डम डे मतलब कि गूंगा जो होता है उनको डम बोलते हैं तो so उनको गूंगे बन के पूरा दिन रहना होता है सो so वो पूरा दिन खुद से वो उनको नहीं बोलना होता है उनकी विल पावर होती है ना कि हम उनके मुंह को बांधते हैं कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर यूर सेल्फ हाउ दू उट इट आइए गार्डन में और खुद देखिए कि बच्चे जो हैं इस इन डेज पे जो है वो कैसे फील कर रहे हैं मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज दर्ल हैज जेंटलमैन हू हैज कम टॉक टू यू एंड मिस भीम सॉ मिस भीम एंड लेफ्ट आस अब मिस भीम जो है वो एक बैंडेज गर्ल के पास जो है राइटर को लेके जाती हैं और फिर उससे इंट्रोड्यूस कराती हैं कि यहाँ पर एक जेंटल मैन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और फिर वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है डोंट यू एवर पीप आई आग द गर्ल अब राइटर जो है लड़की को पूछते हैं कि क्या तुम झांक के नहीं देखती हो ओ नो शी एक्सक्लेम्ब वो बोलते हैं कि नहीं देट वुड बी चीटिंग ये तो चीटिंग हुई ना बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफफुल टू बी ब्लाइंड लेकिन मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि ब्लाइंड होना कितना बुरा होता है यू कान सी अ थिंग आप कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय सम एवरी मोमेंट हर uh, पल में आपको ऐसे लगता रहता है कि अभी आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सेट डाउन और सबसे ज़्यादा रिलीफ किस में है बस एक जगह बैठे रहने में आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू आई तुम्हारे जो हेल्पर हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं क्या वो तुम तुम्हें लेके काइंड हैं तुम्हें लेके वो अच्छा बिहेव करते हैं फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी वेन इट इज माइंटर्न अब वो बोलती है कि हाँ करते हैं लेकिन वो उतनी केयरफुल नहीं है जितने की जब मेरी बारी होती है हेल्प करने की जितनी तरी, अच्छे तरीके से मैं करती हूँ दोज दैट हैव बिन ब्लाइंड ऑलरेडी एंड द बेस्ट हेल्पर्स इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी आई विश यू आर यू हैड ट्राई अब वो लड़की बोलती है कि जो ब्लाइंड होगा वही समझ पाएगा कि उसको दूसरों की किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए और वही जो है अच्छे से हेल्प कर पाएगा इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जो है ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको ट्राई करें शेल आई लीड यू एनी वेयर आई आस्क्ड अब राइटर उसको पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें किसी मतलब तुम्हें लेके जा सकता हूँ कहीं ओ यस सी सेड अब वो बोलती है हाँ ठीक है लेट्स गो फॉर अ लिटल वॉक चलिए थोड़ी सी वॉक करते हैं ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स आई शेल बी सो ग्लैड वेन टूडे इज ओवर द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस अब वो लड़की बोलती है कि सिर्फ आपको ही आज मुझे चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा अभी कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ है और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि आज का दिन जो है वो ख़त्म होगा जब बाकी के दिन जो है वो इतने मुश्किल नहीं होते जितना कि आज का होता है मतलब ब्लाइंड जितना मुश्किल होता है अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन एक अपने लेग को बांध देना और क्रच के सहारे चलना वो एक ऑलमोस्ट uh, एक फन है आई गेस Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help. और एक बाजू को बांध देना और फिर पूरा दिन उसमें मतलब एक हाथ से काम करना ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको खाने में help चाहिए होती है दूसरों की। And things like that, I don't think I'll mind being deaf for a day. At last, not much. But being blind is so frightening. कि मैं जो हूँ वो deaf रहना भी जो है वो पसंद करूँगी लेकिन बीइंग ब्लाइंड होना सच में बहुत मुश्किल है माय हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट व्हेन वी आर नाउ वेयर वी आर नाउ अब वो बोलती है कि पूरा दिन मुझे बस यही मेरी हैड होती है कि कहीं मैं गिर गई या फिर मेरे को किसी चीज से हर, आ, हिट होके मेरे को हर्ट हो गया और फिर उसको पूछती है वेयर आर वी नाउ कि अब हम कहाँ पर हैं इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टर्ड्स अ हाउस मिस भीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल अब वो वो मिस वो बताते हैं राइटर उनको बताते हैं कि अब हम प्ले ग्राउंड में हैं वी आर टॉकिंग वी आर वॉकिंग टुवॉर्ड्स अ हाउस और घर की तरफ जा रहे हैं मिस भीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन मिस भीम जो है वो ऊपर नीचे की तरफ वॉक कर रही है गार्डन में एक टॉल गर्ल के साथ वॉट इज द गर्ल वियरिंग माई लिटल फ्रेंड आग अब वो लड़की उसको पूछती है कि uh, उस लड़की ने जो है वो टॉल गर्ल जो है उसने क्या पहना हुआ है अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज तो राइटर उसको बताते हैं कि एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहना है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है आई थिंक इट्स मिली शी सेड वॉट कलर इज हर हेयर बोलती है कि मुझे लगता है वो मिली है बताइए उसके बालों का क्या कलर है वेरी लाइट आई सेड अब राइटर बोलते हैं कि बहुत ही लाइट सा कलर है येस दैट्स मिली शी शी इज हेड गर्ल और ये मिली है और ये जो है हेड गर्ल है देअर इज एन ओल्ड मैन टाइपिंग अप इज आई सेड अब वो बताते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड uh, मैन है जो रोज टाइपिंग कर रहे हैं यस दैट्स पीटर ही ही इज अ गार्डनर ही इज हंड्रेड ऑफ ईयर ओल्ड अब वो बोल बताती है लड़की कि ये पीटर है ये गार्डनर है और ये हंड्रेड ऑफ ईयर्स ओल्डर है एंड हेयर कम अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर शीज ऑन क्रच सब राइटर बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है जो करली हेयर है जिसके और वो क्रच के सहारे चल रही है दिस दैट्स अनीता शी सेट है वो बोलती है कि ये अनिता है एंड सो वी वॉकडॉन और वैसे ही हम चलते रहे ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज टेन टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थाट आई कुड भी अब उसको लगने लगा कि जैसे मेरी सोच थी जैसे मैं सोचती थी अब मैं उससे दस गुना ज़्यादा थाटफुल हो गई हूँ आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई आई हाई हैड टू डिस्क्राइब द पीपल एंड थिंग्स टू समन एल्स आई इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी अब उसको लगने लगा उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अब चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगी दूसरों को तो मैं जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ये मेरे लिए ये जो बात है ये मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी वन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो अब उसको जाना था तो वो मिस बीम को बोलती है कि आई वॉज़ वेरी सॉरी टू गो आ शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल तो ये था हमारा चैप्टर वन ऑफ क्लासिक्स इंग्लिश आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू अ नाइस डे